चौधरी जी हमारी यार नीचे कर लेना यार, आड़ कर नीचे कर लेना। उनके नेतृत्व में हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। मैं आई हूँ, रणदीप जी ने आना था लेकिन तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसलिए नहीं आऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ पर इतने साथी जो मौजूद हैं गिनती नहीं है कि कितने साथी जहाँ इकट्ठा हुए थे वहाँ पर आपने देखा कितनी भड़कती धूप में यहाँ सभी लोग 4-5 किलोमीटर चलकर मन में केवल एक जज्बा है, मोदी सरकार को केंद्र में उखाड़ कर फेंके हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी को और मजबूती दें। मैडम कांग्रेस को भिवानी में मुझे बोल रहे भिवानी में हमारी छोटी बहन किरण चौधरी जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, लोगों की आवाज़ उठाएं। आज जो सारी जनता त्रस्त है, चाहे वो हमारे किसान हों, मजदूर हों, गरीब आदमी, हमारा दलित पिछड़ा वर्ग, हमारे युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन, किसान मजबूर है आज के दिन। और अगर हम मिडिल क्लास की भी बात करें, शहरों की भी बात करें, ये प्रॉपर्टी आईडी जो इतना बड़ा स्कैम लोगों पर थोपा गया, जो परिवार पहचान पर थोपा गया, अनेकों ऐसे उदाहरण जिनके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर हम ना केवल बहन श्रुति चौधरी जी को लोकसभा में भेजेंगे बल्कि सारी की सारी सीट किरण जी के नेतृत्व में विधानसभा में भेजेंगे। शैलजा जी इतना पसीना बहा रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं, कार्यकर्ता भी मानता कि शायद इस बार सरकार आ जाए, लेकिन जिस प्रकार से फूट है संशय बना हुआ कि सीएम कौन होगा, इसको लेकर कार्यकर्ता हताश है कहीं ना कहीं। ये हमेशा आखिर में हाई कमांड करता है, इसलिए हमको केवल भूपेंद्र हुड्डा ने कल इशारे में कहा था बोल तो सीएम मुझे बना दो, वो देखो अपनी अपनी इच्छा उनकी होगी, हमारी इच्छा तो कांग्रेस की है और राहुल गांधी जी के है। हमारा पहले दिन से दे रहा है कि मैं और मेरा की राजनीति तो नहीं चल सकती, कांग्रेस की नेताओं की नेतृत्व विचारधारा की और कार्यकर्ताओं की राजनीति। कांग्रेस में फूट नहीं मानती आप, कोई किसी तरह फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है। कल 20 तारीख को सद्भावना दिवस मनाया गया था, कांग्रेस के महज एक गुट के नेता वहां पर देखे गए थे, दूसरे नेता नहीं था। सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई कुछ और नाम था उसका, सोनीपत में ना तो बुलाया गया ना कुछ, पहले दिन से सोनीपत में आप जो कर रहे हैं उनसे बुलाया जाता तो आप जाते मैडम, आपने कहा है कि वो भाजपा आपस में लड़ भिड़े, मेरी गुटबाजी काफी नजर आ रही है सोनीपत में, हमें तो है ही गुटबाजी, इनके मंत्रियों को देखो, इनके कांग्रेस पे सवाल उठाए, उन्होंने कांग्रेस पे सवाल उठाए। मैं